नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यह है आपका भारतीय रेलवे का निजीकरण से संबंधित, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा समाचारों में और न्यूज़पेपर पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह छाया हुआ था कि सरकार ने रेलवे बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। तो देखेंगे आखिर ये निजीकरण होता क्या है, मतलब इतना हल्ला मचा हुआ है, तो इसका आखिर कारण क्या है, निजीकरण से तात्पर्य क्या होता है। कई लोग तो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड ही तो करना है, कहीं से किसी ने एसएमएस लिखा, और याद रखिए झूठा एसएमएस कुछ जल्दी तरीके से फैलता है, आग की तरह फैल जाता है। अगर एक सच्चाई हो तो शायद वो आर्टिकल आगे, कोई भी आर्टिकल आगे नहीं बढ़ता है, समझ रहे हैं। तो बताएंगे कि आखिर निजीकरण से तात्पर्य क्या होता है, और भारतीय रेलवे की विकास की यात्रा देखेंगे, और रेलवे में निजीकरण के कारण देखेंगे। निजीकरण के पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में लोग जो तर्क दे रहे हैं उनके तर्क क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यानी कि आपका क्लियर, जो भी आपके दिमाग में सवाल आए हुए हैं वो सभी जवाब मिल जाएंगे उनके, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखा करिए, कहीं सोशल मीडिया पर आप लोग कहीं भी देखते हैं तो उसे फॉरवर्ड करने की बजाय उसकी सच्चाई तो जान लिया करिएगा कि आखिर होता क्या है। हम अंधभक्ति की तरह तुरंत हमने फॉरवर्ड किया, शेयर पर बटन दबाया, क्लिक किया, शेयर कर दिया, तो सच्चाई क्या होती है कम से कम उससे भी परिचित हो जाया करिएगा। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन की अगर बात करें हम तेजस एक्सप्रेस के संचालन के बाद, अब भारतीय रेलवे ने 151 कितनी 151 नई ट्रेनों के माध्यम से निजी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन की अनुमति की प्रक्रिया शुरू की है। यह सभी यात्री ट्रेनें संपूर्ण रेलवे नेटवर्क का एक छोटा हिस्सा है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निजीकरण की प्रक्रिया यात्री ट्रेन संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की शुरुआत का प्रतीक है। यह तब है कि नीति आयोग एक व्यापक योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है, और अनुमान के मुताबिक इसमें निजी निवेश आकर्षित करने की प्रबल संभावना है। रेल मंत्रालय के अनुसार फरवरी मार्च 2021 तक परियोजना के लिए वित्तीय बोली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तथा अप्रैल 2021 तक उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अप्रैल 2023 तक निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। एक आपने तेजस एक्सप्रेस जो सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन है हमारे यहाँ भारत में, इसके बारे में सुना होगा कि अगर ये लेट भी होती तो आपको इसके बदले में पैसा दिया जाएगा, अगर 1 घंटे होती है तो उसके एवज में पैसा दिया जाएगा, और ये बड़े टाइम से चलती है, सुविधाएं वीआईपी सुविधाएं। और एक बात आप लोग याद रख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि सरकारी बसें अभी भी कई राज्यों में चलती हैं, वहां आपने सरकारी बसों की स्थिति देखी होगी, और जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनकी भी स्थिति आप लोगों ने देखी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जमीन आसमान का फर्क रहता है सरकारी और प्राइवेट में, समझ रहे हैं। विदित है कि भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे रेल नेटवर्क है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और इस कार्य के लिए उसके पास तकरीबन 13 लाख कर्मचारी हैं। कितने? 13 लाख कर्मचारी हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे का संपूर्ण बुनियादी ढांचा रेलवे बोर्ड द्वारा प्रबंधित है, और भारतीय रेल सेवाओं पर उसका एकाधिकार है। परंतु बीते 2 दशकों में भारतीय रेलवे में निजीकरण का विषय चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा है। कुछ पहलुओं जैसे रेल दुर्घटना, खान पान और समय की पाबंदी आदि के कारण भारतीय रेलवे को समय समय पर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। इन्हीं आलोचनाओं ने भारतीय रेलवे में निजीकरण को भी हवा दे दी है। आप समझ सकते हैं कि अभी आप घर से निकलते हैं, मालूम चलता है कि सफर है, रास्ते की मतलब जाने का टाइम लगता है 1 घंटे, वहां लग जा रहे हैं 4 से 5 5 घंटे। तो प्राइवेट का एक तो सबसे बड़ा यही फायदा है कि आपको टाइम से पहुंचाएगी, क्वालिटी की सुविधाएं देगी, बेहतर क्वालिटी होगी खाना की, फिर चाहे आपकी सीट इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं सभी बेहतर मिलेंगी। आखिर आप निजीकरण ये तात्पर्य हर जगह देखते रहते हैं आप लोग, निजीकरण हो गया, तो निजीकरण से तात्पर्य आखिर क्या है? निजीकरण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति
अथवा कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठनों से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि निजीकरण के माध्यम से एक नवीन औद्योगिक संस्कृति का विकास संभव हो पाता है। आप इस तरह से इसे ले सकते हैं कि आपके यहाँ कोई काम चल रहा है, कोई आपने घर बनवाया हुआ है बनवाने के लिए, तो एक सरकार हो जाती है और दूसरा आप निजी यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं उसका ठेका। तो सरकार बनवाएगी वो अलग है और जो कोई कंपनी जैसे कोई भी कंपनी ले ठेका वो अलग हो जाती है। तो यही बात की जा रही कि सरकार के अंडर में जो रहती है। और इसमें देखिए रेलवे का मतलब ये नहीं है कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है तो पूरी तरह से रेलवे उनके प्राइवेट यानी कि जो भी आपका प्राइवेट हो संस्थान होगा निजी संस्था उसके अंडर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उस पर भारत का सरकार का भी उतना ही कब्जा रहेगा, मतलब उतना ही अधिकार रहेगा। फिर मालूम चला कि निजी क्षेत्र की जो भी जिसने भी इस तरह के निजीकरण किया है जो भी संस्थाएं वो किराया जमीन आसमान छूने लगे किराया, तो ऐसा भी नहीं है, एक सीमित रखा जाएगा। ठीक है, बस सरकार के जो भी चलाने का है, खाने पाने का है, समय ले जाने आने का है, ये सभी आपके निजी हाथों में चला जाएगा। ठीक है, यह भी संभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण बिना विक्रय के ही हो जाए। तकनीकी दृष्टि से इसे अभिनियमन कहा जाता है। इसका आशय है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित थे उनमें अब निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर केंद्रित करे। इस दृष्टि से निजीकरण का महत्व भी बढ़ रहा है। आखिर भारत में भारतीय रेल की अगर विकास यात्रा की बात करें हम लोग, तो भारत में व्यावसायिक ट्रेन की यात्रा की शुरुआत 1853 में हुई थी। कब? 1853 में, अंग्रेजों के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। जिसके बाद वर्ष 1900 में, सन 1900 में भारतीय रेलवे तत्कालीन सरकार के अधीन आ गई। वर्ष 1925 में बॉम्बे से कोरला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई। ये भी पॉइंट आप याद रखिए, वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए वो कई बार क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आपके। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक पुराना रेलवे नेटवर्क विरासत में मिला और पूर्व में विकसित लगभग 40% रेल नेटवर्क नवगठित पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ऐसी स्थिति में आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ लाइनों की मरम्मत की जाए और कुछ नई लाइनें बिछाई जाए ताकि जम्मू व उत्तर पूर्व भारत के कुछ क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जाए। बस 1952 में तत्कालीन रेल नेटवर्क को जोन में बदलने का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष कुल 6 जोन अस्तित्व में आए। इससे पूर्व रेलवे संबंधी उत्पादन देश में काफी कम होता था, परंतु देश ने जैसे जैसे विकास किया रेलवे संबंधी उत्पादन भी देश के अंदर ही होने लगा। सितंबर 2003 में प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से जोन की संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया, जिसके बाद कई मौकों पर रेलवे जोन्स की संख्या को बढ़ाया गया और वर्तमान में ये 18 हो गए हैं। कितने? 18 हैं, 17 नहीं है, 18 हैं। कितने? 18 हैं, या मिसप्रिंट हो गया। कितने हैं रेलवे जोन? 18। देश में जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ, अभी याद रखिए 18वां आपका दक्षिण तट रेलवे बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। देश में जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ, रेलवे के संचालन और प्रबंधन संबंधी चुनौतियां भी सामने आने लगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए विकल्पों की खोज की जाने लगी और कई विशेषज्ञ रेलवे के निजीकरण को इस प्रकार के एक विकल्प के रूप में देखने लगे। वर्ष 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, जिसे रेलवे में निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, इस तरह के जो भी पॉइंट है इन्हें याद रख लिया करिएगा। अगर आप कभी वन डे एग्जाम देते हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से। तो पहली बात, प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? तेजस एक्सप्रेस है। कहां से कहां? लखनऊ से नई दिल्ली चलती है। वर्तमान में रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन
सेवाओं के संचालन के लिए निजी क्षेत्र हेतु अर्हता के लिए अनुरोधों को आमंत्रित कर रेलवे परिचालन के निजीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया। अब बात करते हैं रेलवे में निजीकरण के कारण क्या है। भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल बैठा पाने में असफल रहा है। रेलवे अपनी सेवाएं जैसे टिकटिंग, खान पान, कोच रख रखाव, टिकट चेकिंग आदि के विषय में ग्राहकों को संतुष्ट करने में असफल रहा है। यह आम लोगों की रेलवे के प्रति नाराजगी का प्रमुख कारण भी रहा है। आपने कई बार सुनते भी रहते हैं कि इस तरह खाने में ये निकलता है, खाना खराब मिल रहा है। टिकट में भी आप देखते हैं कि किस तरह से व्यवस्था होती है, लाइन लगा के घंटों लगा रहो लगे रहो। कोच में आप देखते हैं किस तरह से गंदी फैली रहती है, गंदगी। ठीक है, तो इसी को सुधारने के लिए आपका निजीकरण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की सूची में आती है जिसे प्रतिवर्ष नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी स्तर पर भी रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है और यही कारण है कि समय समय पर रेल दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसा मुझे लगता है कि कोई साल नहीं जाता जिसमें 10 बार आपको रेलवे दुर्घटनाएं देखने को ना मिले। समझ रहे हैं, बड़े मतलब छोटी तो डेली घटती रहती हैं, बड़ी घटनाओं की बात कर रहा हूं। इसके साथ ही ट्रेनों का समय पर परिचालन भी भारतीय रेलवे के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद रहा है। यहां तक तो ठीक है अपने लिए पॉइंट थे, लेकिन अब यहां से उन लोगों के लिए पॉइंट है जो अंधभक्ति से या तो फिर इसके विपक्ष में बोले जा रहे हैं या फिर इसके पक्ष में। तो पहले सबसे पहले निजीकरण के पक्ष में तर्क देख लीजिए कि क्या बोलते हैं लोग। बेहतर बुनियादी ढांचा, अगर निजीकरण आपका होता है तो आपको क्या लाभ मिलेंगे उन्हें देखिए। निजीकरण के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि इससे बेहतर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उम्मीद है कि रेलवे में निजी कंपनियों आने से बेहतर प्रबंधन संभव हो पाएगा। यानी कहने का मतलब, आप अगर निजीकरण होता है तो आपको बेहतर सुविधाएं, जो भी बुनियादी सुविधाएं, वो मिलेंगी यात्रियों को। मांग एवं आपूर्ति में अंतर, आजादी के 70 साल से अधिक वर्षों के बाद भी सभी यात्रियों को यात्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पाया है। प्रतीक्षा सूची में टिकट कराने वाले अनेक यात्रियों के व्यस्त मौसम के दौरान लगभग 33.3% यात्रियों के टिकट की कंफर्म बुकिंग नहीं हो पाती है। निजी ट्रेनों के परिचालन द्वारा यात्रियों द्वारा की जा रही ट्रेन सेवाओं की मांग को पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। किराए में वृद्धि नहीं, निजी ट्रेन संचालकों द्वारा यात्रा किराया तय करते समय बस तथा हवाई यात्रा किराए के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, अतः निजी ऑपरेटरों के लिए बहुत अधिक किराया वसूलना व्यवहार नहीं होगा। चूंकि निजी ट्रेनों के संचालन के बाद भी रेलवे द्वारा 95% ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, इसलिए इन ट्रेनों के किराए में वृद्धि नहीं की जाएगी। साथ ही इन ट्रेनों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे जिससे आम जन को कम कीमत पर बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि किराया सरकार नहीं बढ़ाने देगी और बस आपको सुविधाएं भी मिलेंगी। और वैसे सबसे ज्यादा इस टाइम में समय की कीमत है कि आपको अगर समय से पहुंचा देती है ट्रेन तो आपके लिए बेहतर है। किराया आजकल मुझे नहीं लगता है कि मायने रखता है कई लोगों के लिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए रखता होगा, लेकिन कुछ लोगों को लिए टाइम जरूरी है, तो उनका टाइम की आराम से कमी पूरी, यानी कि जो भी लगता था, अभी ज्यादा लगता था, उसे कम हो जाएगा। अगर बात करें कर्मचारियों की छटनी की, छटनी नहीं होगी। रेलवे द्वारा वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों के अलावा नवीन निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे को वर्ष 2030 तक अनुमानित 13 बिलियन यात्रियों के लिए और अधिक ट्रेनों के संचालन की आवश्यकता होगी। निजी ट्रेनों के परिचालन से नौकरी खोने का तर्क आधारहीन है। फिर आपका तकनीकी मत, वर्तमान समय में 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेनों के कोचों के रखरखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन आधुनिक कोचों को हर 40,000 किलोमीटर के बाद या फिर 30 दिनों के में एक या दो बार ही रखरखाव की आवश्यकता होती है। अभी आपका कितना, 4,000 घंटे, 4,000 किलोमीटर जो ट्रेन चल जाती है, उसके बाद कोचों के रखरखाव यानी कि उनके
देखने की जरूरत पड़ती है, यानी कि उनमें सुधार की आवश्यकता होने लगती है, मरम्मत की, समझ रहे हैं। ये आपका 40,000 किलोमीटर चलने के बाद 30 दिनों में एक बार, समझ रहे हैं, या 2 बार रख रखाव की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ये कोच गति, सुरक्षा और सुविधा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया के अनुकूल, REREFQ मेक इन इंडिया नीति के तहत जारी किया गया है, इसलिए कोचों का निर्माण भारत में किया जाएगा तथा इसके लिए स्थानीय घटकों का उपयोग भी किया जाएगा। ये तो थे आपके निजीकरण के पक्ष में तर्क। अब देखिए आप लोग निजीकरण के विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। सीमित कवरेज, यदि रेलवे का स्वामित्व भारत सरकार के पास ही रहता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह लाभ की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करती है, परंतु रेलवे के निजीकरण से यह संभव नहीं हो पाया है पाएगा, क्योंकि निजी उद्यमों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उन्हें जिस क्षेत्र से लाभ नहीं होता है वे वहां कार्य बंद कर देते हैं। इस बात से आप भी परिचित हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो भी प्राइवेट संस्थान है या कोई भी व्यक्ति है, तो वो लाभ पर ज्यादा ध्यान देता है। आपने देखा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो समाजवादी होती है उसमें मानव कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा है सामाजिक न्याय। निजी उद्यमों का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और रेलवे में लाभ कमाने का सबसे सरल तरीका किराए में वृद्धि, और यदि ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। दूसरी, जवाबदेही। तीसरी, निजी कंपनियां अपने व्यवहार में अप्रत्याशित होती हैं और इनमें जवाबदेहिता की कमी पाई जाती है, जिसके कारण रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इनके प्रयोग का प्रश्न विचारणीय हो जाता है। फिर सुरक्षा का प्रश्न, निजी कंपनियों में विभिन्न विदेशी कंपनियों की भी साझेदारी होती है, ऐसे में यदि निजी कंपनियों को रेल परिचालन का कार्य दिया जाता है तो संभावना है कि उनकी उसकी सुरक्षा से समझौता हो जाए। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? स्थायी मूल्य निर्धारण, यात्री ट्रेनों व मालगाड़ियों के उचित किराए के निर्धारण हेतु भारतीय रेलवे मूल निर्धारण मॉडल को फिर से अपनाने की आवश्यकता है। यह मूल निर्धारण सड़क परिवहन की लागत के साथ प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। स्वतंत्र नियामक, निजी संचालकों के लिए एक समान स्तर के प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना महत्वपूर्ण होगी। रेलवे का आधुनिकरण, विवेक देवराय समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है, जैसा कि भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी का विस्तार, रेलवे के मुख्य कार्यों का निगमीकरण आदि। आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है जहां तक कि इससे एक वर्ग को तो खासा फायदा होगा, हो सकता है एक दूसरे खास जो वर्ग है जिसके पास आर्थिक स्थिति खराब है जिसकी, उसे नुकसान होगा, समझ रहे हैं, हो सकता है, मैं हो सकता हूं बोल रहा हूं, लेकिन निजीकरण से एक वर्ग को तो प्रॉफिट होगा 100%। किसे? जो पैसे वाला है, जो जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो आने जाने में बेहतरीन सेवाएं प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। और वैसे भी सरकार पूरी तरह से इसे छोड़ेगा नहीं कि मान लो चला कि जो निजी कंपनियां हैं वो कुछ भी करते रहे, उसमें किराया बढ़ा दें, फिर किराया कुछ भी करते रहे, सुविधा किसी भी तरह की दें, तो उसमें हस्तक्षेप सरकार का भी रहेगा, ठीक है।